अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बादशाह टेक। आज बैकग्राउंड में ज़रा नॉइस होगा तो ज़रा कंप्रोमाइज़ करिएगा। तो आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप थंबनेल पे एरो कैसे लगा सकते हैं ताकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए। ठीक है, आपने पब्लिक को इंगेज करना है, इन्होंने पकड़ पकड़ कर लाना है कि आपकी वीडियो देखें। वो वीडियो तो ओपन कर लेंगे, फिर आपकी वीडियो कैसी बनी होगी उस हिसाब से आपको रेटिंग मिलेगी। सबसे पहले आपने थंबनेल बनाने के लिए पिक्सेल लैब आपने ओपन कर लेना है। ये मैंने एक पहले थंबनेल बनाया है, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डू यू वांट एग्जिट? ठीक है, मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब मैं दोबारा बनाता हूँ, ये वाला मैंने थीम किया। और अब क्या करना है, अब मैंने इमेज साइज़ पे जाना है क्योंकि हमने थंबनेल बनाना है। यूट्यूब थंबनेल 1699 पे होता है, 69 पे। और अब आपने क्या करना है, अब ये वाला जो ऑप्शन दरमियान में है यहाँ से आप एरो ला सकते हैं। ठीक है, तो एरो का साइज़ आप कम ज़्यादा कर लें, ये हो गया। उसके अलावा आप ये एंड एरो देख लें, एरो एंड कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसका जो अपोज़िट एंड है वो कैसा होना चाहिए ये देखें। ठीक है, ये एक एंड हो गया और उसका दूसरे एंड पे भी आप एरो लगा सकते हैं, लेकिन आपने नहीं लगाना। ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हो गया, उसके अलावा साइज़ एरो का हो गया। ठीक है, अब आपने इसको कलर भी करना चाहते हैं तो ज़्यादा रेड होता है कलर। उसके बाद स्ट्रोक भी अप्लाई करना चाहते हैं, स्ट्रोक उसके इर्द गिर्द उसको वाजे करने वाला है। ठीक है, उसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा कर दें और ब्लैक बिल्कुल ठीक है, पब्लिक अट्रैक्ट करेगा ये। उसके अलावा ये आपने ओके कर देना है और ये आपने भाई ऐसे लगा देना है और ऐसे। और इसके अलावा मैं ना बैकग्राउंड ज़रा चेंज कर लेता हूँ, इसमें जाके इमेज इसमें वाइट बैकग्राउंड कर लूँ, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको स्मॉल किया। चलें, अब यहाँ पर लिखता हूँ टू हाउ टू गेन व्यूज़ कैसे आप हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये लगा दें, ऑब्जर्विंग वाला थीम लगा दें, ये लगा दें, ज़रा पब्लिक अट्रैक्ट हो जाएगी। उसके अलावा फिर आपने क्या करना है, ए में जाना है, ये ए में फॉन्ट में जाना है। और बेगलू रेगुलर ये मैं ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ। उसके अलावा आपने अब इसके साइज़ में जाना है, साइज़ आपने कम करके इसको एक ही में लेके आना है। अब थोड़ा साइज़ ज़्यादा कर लें, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर आके आपने अब कलर चेंज करना है, इसका ब्लैक कर लें। ठीक है, ये वाला कर लें। उसके अलावा कलर चेंज हो गया, अब आपने जाना है स्ट्रोक अप्लाई करना है। स्ट्रोक अप्लाई किया हुआ है लेकिन किसी और कलर में उसकी विड्थ ज़रा चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप ये लगा सकते हैं।